सफेद बालों को जड़ से काला कर सकते हैं। आज जो काफी ज्यादा यूनिक होने वाला है, और वैसे मैंने शॉर्ट्स में मैंने बनाया था जिसके ऊपर, तो उसके ऊपर काफी सारी रिक्वेस्ट आई थी कि मैम इसको जो है प्रॉपर आप एक वीडियो बना के बताइएगा। तो चलिए मैं आज मैं बताने वाली हूँ कि आदिवासी नीलांबरी हेयर ऑयल से जो है हर्बल हेयर ऑयल से कैसे हम अपने गंजेपन को दूर कर सकते हैं, बालों की ग्रोथ बढ़ा सकते हैं, हेयर की ग्रोथ को हम किस तरीके से हम जो है अच्छा कर सकते हैं, यहाँ तक कि हमारे जो हेयर ग्रोथ के साथ साथ हमारे बालों में काफी ज्यादा फिजी हेयर्स हो जाते हैं, काफी ज्यादा बाल हमारे कमजोर होने शुरू हो जाते हैं और हमारे स्कैल्प बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है, उसको जो है हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आई होप फ्रेंड्स आप लोग मेरे साथ जो है जुड़े रहेंगे और शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा, आप लोगों को बहुत ज्यादा बेनिफिट्स मिलने वाला है। तो चलिए फिर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने यहाँ जो एक पहले ग्लास का एक बाउल लिया है इस टाइप का, तो आपको क्या करना है यहाँ पर इसको लेना है और इसके अंदर जो है आप जो है आदिवासी नीलांबरी हेयर ऑयल दिखाऊंगी मैं आपको इस टाइप का, ये देख सकते हैं यहाँ पर मैं आदिवासी नीलांबरी हेयर ऑयल ले रही हूँ। ये हमारे बालों को जो है बहुत ही अच्छा सा एक कलर देगा, बालों को जो है आप इसके अंदर कोई भी अपना जो है कोई भी जैसे आप मेहंदी है, हर्बल टॉनिक है, काफी सारे चीजें, आंवला पाउडर है, आप ये सारी चीजें ऐड करके भी आप अपने बालों में अच्छे से जड़ों पे लगाएंगे तो देखिए रिजल्ट आपको उसी तरीके से मिलेगा जिस तरीके से आपको जो है मेहंदी हल्दी का मिलता है। बस इसी तरीके से आपको इसके अंदर ऑयल ऐड करना है, बट पानी ऐड मत कीजिएगा ना इसको बॉयल करना है, ये काफी अच्छा है। तो अब आप लोग देख सकते हैं इस तरीके का है, बट इसका जो है वो काफी सारे डुप्लीकेट जो है प्रोडक्ट भी आते हैं, काफी लोगों ने मुझे पूछा कि इसका ओरिजिनल क्या है, बट इसका क्या है कि इसकी जो है प्राइस है, प्राइस काफी ज्यादा है इसमें, जैसे समथिंग इसमें 199 रुपीज लिखा 2000, बट मेरे को ये मैंने अमेजोन से परचेज किया था, वहां जाके आप जाके इसको चेकआउट कर सकते हैं। वैसे इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में देने की कोशिश करूंगा, मुझे मिलता है तो देखिए ये जो है काफी अच्छा है बालों की ग्रोथ के लिए, क्योंकि साथ के साथ ये फॉर्मूला जो आयुर्वेदिक हेयर ऑयल है जो हमारे जो है डैंड्रफ को भी दूर करता है, साथ के साथ हमारे बालों को जो है सिर्फ हमें हफ्ते में क्या करना है इसको 3 बार यूज करना है और अच्छे से इसको यूज करने के बाद हमारे जो हेयर फॉल की प्रॉब्लम है वो सारी निजात मिल जाएगी और बालों में जितनी भी हमारी बाल जो व्हाइट आ रहे हैं वो भी हमारे ब्लैक होने शुरू हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ जो मैं यहाँ पर ये ऑयल ले रही हूँ इस तरीके का, मैंने जो आदिवासी, आप चाहे छोटा स्पून भी ले सकते हैं या बड़ा स्पून भी ले सकते हैं इस तरीके का। तो यहाँ पर जो है मैं, चलिए मैं थोड़ा सा एक बड़ा चम्मच ले लेती हूँ, छोटा अगर आपको लगता है कि छोटा आपने चम्मच लेना है, इसकी क्वांटिटी को हमने इतना रखना है सिर्फ, ये देख सकते यहाँ मैं यहाँ पर ये वाला ऑयल ले रही हूँ आदिवासी नीलांबरी हेयर ऑयल, आपको इस तरीके से ये एक स्पून लेना है बस। अब इसी के अंदर आपको जो है अपना अपना जो मिश्रण इसमें ऐड करना है, यहाँ मैं पहले थोड़ा सा जो है आंवला पाउडर ले रही हूँ, आंवला पाउडर आपको सिर्फ थोड़ा सा लेना होगा, ज्यादा नहीं लेना है, आधा चम्मच के करीब से भी बहुत कम लेना है, देख सकते ये देखिए यहाँ पर जो है मैं आंवला पाउडर ले रही हूँ, थोड़ा सा ही हमें लेना है और साथ के साथ आप इसके अंदर जो है थोड़ी सी मेहंदी को भी ऐड कर सकते हैं जिससे कि बालों में एक नेचुरल सा ग्लो आ जाए, बालों में एक शाइनिंग आ जाएगी, फिजी हेयर्स भी ठीक हो जाएंगे और ऑयल से क्या होता है कि बालों को एक बहुत ही अच्छे पोषण मिलता है। मैं यहाँ पर जो है थोड़ा सा मेहंदी पाउडर ले रही हूँ, बस हमें इसमें ऑयल ऐड नहीं करना है ना पानी ऐड करना है ज्यादा, देख सकते हैं आप, मैं थोड़ा सा इसको जूम करके दिखाती हूँ आपको, सर देख सकते हैं इस तरीके का मेहंदी पाउडर है, इसका लिंक भी मेरे को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलता है तो मैं दे दूंगी, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी वाली मेहंदी है, ये ऐसे आम मेहंदी नहीं है। तो अब आप देख सकते हैं ये इसके अंदर लेना है और अब हमें इसे बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेना है, आप इसको फिंगर की सहायता से या आप जो है किसी ब्रश की सहायता से इसे जो है मिक्स कर सकते हैं। अच्छे से घोल लीजिएगा इसके पाउडर को, अच्छे से घोल लीजिएगा, आप देख सकते हैं ये बनके हमारा तैयार हो गया है, बस इसी तरीके से आपको इसको बनाना है। देखिए इसमें मैंने कोई तामझाम नहीं यूज किया, ज्यादा कोई भी ऐसी चीज नहीं ली है कि जिससे कि आप लोगों को जो है बहुत ज्यादा मतलब काफी सारी चीजें जो है ऐसे आपको यूज करनी पड़े, मेहंदी आंवला तो हमने जैसे इसमें ऐड किया है, ना आपको हिबिस्किस पाउडर मिलाने की जरूरत है, ना आपको इसमें कोई कलौंजी पाउडर, ना मेथी पाउडर, कुछ भी जरूरत नहीं है, इसी से आपका जो डैंड्रफ भी ठीक हो जाएगा, बालों में जितनी भी समस्या सारी निजात मिलेगी। तो देख सकते हैं आप
इस टाइप का मैंने ये करा। इसको पर अच्छे से घोल लीजिएगा, अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा इस तरीके का। मैं थोड़ा सा वाइट करती हूँ, आपको देख सकते हैं इस तरीके का। तो बस इसी तरीके से आपको ये इसी तेल के अंदर, आदिवासी नीलांबरी हेयर ऑयल के अंदर जो मिलाइएगा, तो देखिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। ये जो ऑयल है काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको इससे। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ मैंने इसको लिया है और इस तरीके से मैंने ये इसमें ऐड कर दिया है। तो फ्रेंड चलिए फ्रेंड, आप लोगों को आई होप आप लोगों को आज की वीडियो यूजफुल और हेल्पफुल लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ जाते जाते लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बस इसी तरीके से इसको बना के जो है अपने बालों पे लगाइएगा। हफ्ते में 3 बार लगाना है, 5 से 10 मिनट के लिए अच्छे से मसाज करना है हर जड़ों पर लगा के। इसे जो है आप अपने बालों को जो है धो सकते हैं 30 से 40 मिनट के बाद। धोने के बाद क्या, आपको 2-3 घंटे मेहंदी की तरह नहीं रखना है, आपको सिर्फ इसको सिर्फ मसाज करने के बाद थोड़ी सी देर, जैसे 15 से 20 मिनट भी रखेंगे काफी अच्छा रहेगा। उसके बाद आप देखिए महीने भर के बाद मैं आपको गारंटी देती हूँ आपके सफेद बाल आना बंद हो जाएंगे, आपके बाल जो सिल्की स्मूथ भी हो जाएंगे, साथ के साथ आपके बालों की हेयर की ग्रोथ भी अच्छी हो जाएगी, हेयर फॉल की जो प्रॉब्लम है।